सोशल मीडिया के कई सारे प्लेटफॉर्म पे एम्बुलेंस वाले वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है और आम पब्लिक दोनों साइड से सिंपल साफ खड़ा है और एम्बुलेंस काफी तेजी से जा रहे हैं। तो आज मैं आपको इस एम्बुलेंस की सारी सच्चाई बताने वाला हूँ और ये एम्बुलेंस इतनी तेजी से कहाँ जा रहा है इसके बारे में ऑलरेडी पिछले वीडियो में मैंने बता चुका हूँ और इसके बारे में थोड़ी बहुत बता देता हूँ। जैसा कि ये एम्बुलेंस मैंगलोर से बेंगलोर की ओर जा रहा है जिसमें एक 40 डे की बेबी है जिसे हार्ट को ट्रांसमिट करना है। मैंगलोर से बेंगलोर की सफर जो है 7 से 8 घंटे नॉर्मल यदि कार से जाते तो लग जाता है, लेकिन यहाँ पे 4 से 4.5 घंटा के आसपास एम्बुलेंस ड्राइवर को पहुँचाना है, इसलिए एक एम्बुलेंस काफी तेजी से बेंगलोर की ओर जा रही है। यहाँ पे एम्बुलेंस ड्राइवर की ओर से जीरो ट्रैफिक किया गया है, इसीलिए यहाँ पे एम्बुलेंस ड्राइवर को इतना रास्ते क्लियर मिल रहा है। यही कारण है इतनी तेजी से एम्बुलेंस बेंगलोर की ओर जा रहे हैं। और ये फाइनली जब एम्बुलेंस बेंगलोर पहुंच जाते हैं और बेबी को जब हार्ट ट्रांसप्लांट हो जाता है वो जाने के बाद आप देख सकते हैं इस एम्बुलेंस ड्राइवर को काफी ज्यादा स्वागत किया जाता है। और इसके बाद अब क्या हो रहा है, टिकटॉक पे बहुत सारे ऐसे वीडियो ऐसे अपलोड हो रहा है जिसमें बताया जा रहा है मोदी जी ने एम्बुलेंस ड्राइवर को 50 लाख रुपया दिया, सलमान खान ने 50 लाख रुपया दिया, अक्षय कुमार ने 1 करोड़ रुपया दिया। इस तरह की वीडियो अपलोड हो रहे हैं, जैसा कि आप वीडियो देख भी सकते हैं। ये वीडियो सच है या रियल है इसी के बारे में हम आज बात करने वाले हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि यहाँ पे आपको सही जानकारी दिया जाता है। तो मैं आपको बता देता हूँ, जितने भी वीडियो टिकटॉक पे अपलोड किए जा रहे हैं, जो सलमान खान ने 50 लाख रुपया दिया, शाहरुख खान ने 50 लाख रुपया दिया, अमिताभ बच्चन ने 50 लाख रुपया दिया, इस तरह से आपको हजारों वीडियो देखने को मिल जाएंगे क्योंकि टिकटॉक पे आजकल लाइसेंस व्यूज पाने के लिए सिर्फ इसी प्रकार के वीडियो को अपलोड किया जा रहा है, सिर्फ लाइसेंस व्यूज के लिए। लेकिन जो भी व्यक्ति ऐसा गलती कर रहे हैं प्लीज ये सब गलती मत करो, इसे आप लोगों का ही नुकसान है। यदि गलत इन्फॉर्मेशन आप किसी को देते हैं तो आपको यहाँ पे स्टार्टिंग में लाइक्स एंड व्यूज भी तो मिल जाएंगे, लेकिन आपका अकाउंट जो है 6 से 7 दिन बाद टिकटॉक अकाउंट आपका फ्रीज हो जाएगा और आपके टिकटॉक वीडियो पे लाइक्स एंड व्यूज नहीं आएंगे और आप लोग डिमोटिवेट हो जाएंगे। तो ये गलती आप लोगों को नहीं करना है। जितने भी वीडियो अपलोड हो रहे हैं टिकटॉक पे सारे वीडियो फेक है और बहुत सारे वीडियो तो ऐसे अपलोड हो रहे हैं, अक्षय कुमार एम्बुलेंस ड्राइवर से मिलने के लिए, मोहम्मद हनीफ से मिलने गए, बहुत सारे ऐसे अफवाह वीडियो बन रहे जो, और जितने भी वीडियो अपलोड हो रहे हैं आजकल जो सारे वीडियो जो है ओल्ड वीडियो है, यूट्यूब से या फिर कई सारे अदर प्लेटफॉर्म से अब डाउनलोड करने के बाद अपलोड कर दे रहे हैं और टाइटल में बेंगलोर से बेंगलोर लिख दे रहे हैं और वीडियो को अपलोड कर दे रहे हैं। तो आप लोगों को टिकटॉक वीडियो पे भी इंटरेस्ट नहीं करना है। यदि आप लोग कुछ इसके बारे में जानकारी लेना है न्यूज चैनल पे जाकर वीडियो देख सकते हैं। तो बस आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, साथ ही साथ टेक्निकल सलियन चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए।